आगामी 25 मार्च से 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं, परंतु इस बार 5वीं 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर होंगी। हालांकि सीहोर जिले के नसरुल्लागंज विकास खंड में शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षा की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए भी पूर्ण परीक्षा केंद्रों पर इंतजाम किए गए हैं। लंबे समय के बाद ऐसा होगा कि 5वीं 8वीं के छात्रों को 10वीं 12वीं की तरह बोर्ड पैटर्न पर प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। दोनों ही कक्षाओं की परीक्षा एक साथ एक ही दिन शुरू होगी। नसरुल्लागंज विकासखंड शिक्षा अधिकारी भूपेश शर्मा ने बताया कि कक्षा 5वीं में 4405 स्टूडेंट्स हैं, कक्षा 8वीं में 4047 स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं, यानी बोर्ड परीक्षा देने वाले कुल 8452 स्टूडेंट्स शामिल होंगे। 25 मार्च से 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं बोर्ड परीक्षाएं इस बार होंगी, क्या व्यवस्थाएं की गई है? हाँ, इसके लिए अपने यहाँ 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उसमें हर जन शिक्षा केंद्र में 4-4, 5-5 परीक्षा केंद्र बने हैं, क्योंकि परीक्षा केंद्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया जो थी वो ऑनलाइन थी, तो जहाँ पे बच्चे की संख्या ज़्यादा है और आसपास के बच्चों को कलेक्ट करके एक सेंटर ऐसे बनाए गए हैं। इस प्रकार अपने यहाँ 10 जन शिक्षा केंद्र हैं, 39 हर जन शिक्षा केंद्र में 3 बना रहा है, चूँकि शहरी क्षेत्र में ज़्यादा परीक्षा केंद्र बने हैं। दूसरा 39 परीक्षा केंद्र अपने यहाँ 5वीं 8वीं की परीक्षा के लिए बनाए गए हैं, जो कि 25 मार्च से शुरू हो रही है। आप जानते हैं 4405 आठवीं में और 4047 पाँचवीं के बच्चे जो हैं वो परीक्षा देंगे। इस तरह टोटल 8452 हमारे परीक्षार्थी इस बार परीक्षा देंगे। सर, संकुल में जिस प्रकार से क्या व्यवस्थाएं रहेंगी बच्चों के लिए, जैसे मौसम भी गर्मी का आ गया है? परीक्षा केंद्र प्रयास ये किया गया है कि हवादार, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये तो सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, मतलब बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं हो। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें उनको आने जाने में हो सकती है, बाकी अच्छे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और अच्छी व्यवस्थाओं का प्रयास किया जा रहा है। कितने अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा? हाँ, इस बार पूर्णांक तो 100 ही है, लेकिन प्रश्न पत्र जो है वो 60 अंकों का रहेगा, जिसमें 20 अंक प्रोजेक्ट के रहेंगे और 20 अंक छमाही परीक्षा के उसमें जोड़े जाएंगे। नसरुल्लागंज से वसीम खान की रिपोर्ट।